मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि इस महामारी से बचाव हेतु बहुत अच्छे अच्छे प्रयास आप कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ टेंस, इट्स टाइप्स और सेंटेंसेस के आगे श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसे हम कहेंगे एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस। देखिए, जैसा कि यहां व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस। देखिए, यहां पर हमें समझना है कि ये एक्टिव वॉयस क्या है, ये पैसिव वॉयस क्या है और इसका एग्जाम में रोल क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजीएल, सीपीओ और स्टेनोग्राफर कम से कम 25 मार्क्स ये अपना जो है रोल निभाता है उसमें। तो चलिए, हम बिना समय गवाए आपको आज समझाते हैं कि एक्टिव वॉयस क्या है, पैसिव वॉयस क्या है और हम इसे कैसे अच्छे से समझ सकते हैं आगे। तो देखिए, हमने कहा एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉयस मींस कर्तावाच्य, एक्टिव वॉयस मींस कर्तावाच्य। अब हमें यह समझना होगा कि यह कर्तावाच्य क्या है। तो वेयर देयर अ सब्जेक्ट प्लेज इट्स इंपोर्टेंट रोल इज कॉल्ड एक्टिव वॉयस। देखिए, जहां पर वह वाक्य, जहां पर या जो डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। वह वाक्य जो किस पर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पर, कर्ता पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉयस कहते हैं, यानी कि कर्ता वाक्य हम उसे कहते हैं। उसके बाद हम कहें कि भाई इस सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज फाउंड आउट व्हाइल रेजिंग अप अ क्वेश्चन विद हु। जब भी हम हु से यानी कि कौन से प्रश्न उठाते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, वो हमारे सामने निकल करके आ जाता है। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट को हम किससे फाइंड आउट करते हैं, हु से फाउंड आउट करेंगे। और जब हम हु से इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आप समझिए कि सब्जेक्ट हमारे सामने होगा। इसके बाद मैंने इसको एग्जांपल यहां पर देखिए आपको समझाने के लिए लिखा है। यहां लिखा कि राहुल टेक्स टी। आप जानते हैं कि राहुल टेक्स टी यानी राहुल चाय पीता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। तो राहुल टेक्स टी, हमने यहां पर क्वेश्चन बनाया, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया कि हु टेक्स टी, Who takes tea यानी कि कौन चाय पीता है। तो इसका जवाब मिलता है Who takes tea का कि राहुल takes tea यानी कि राहुल चाय पीता है। तो राहुल यहां पर क्या होना चाहिए हमारा, राहुल जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई थिंक दैट यू हैव जस्ट अंडरस्टूड वेल हाउ कैन वी फाइंड आउट सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट पार्ट को कैसे ढूंढना है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे देखिए हमने लिखा है पैसिव वॉयस। अब बात करते हैं हम पैसिव वॉयस की। तो जैसे एक्टिव वॉयस मींस कर्तावाच्य होता है, उसी प्रकार से पैसिव वॉयस मींस होता है कर्मवाच्य। अब बात आती है कि कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य वेयर देयर एन ऑब्जेक्ट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल और इंपोर्टेंट रोल इज कॉल्ड पैसिव वॉयस। इन हिंदी आई वांट टू टेल यू, मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूं कि वह वाक्य की जहां पर या जिसमें एक कर्म अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पैसिव वॉयस यानी कि कर्मवाच्य। तो जहां पर कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। अब यहीं से ही फिर हमारा नेक्स्ट, यहां पर मैं समझा चुका हूं, यहां की डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, वह वाक्य जो डिपेंड होता है किस पर होता है, ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखिए यहां पर लिखा गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर होगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं अभी अभी डेफिनेशन आपको बताया कि जो वाक्य ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैसिव वॉयस कहते हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव जस्ट अंडरस्टूड वेल, यानी मैं फिर से तेजी से बता दूं कि एक्टिव वॉयस सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा, पैसिव वॉयस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हम पैसिव वॉयस में जो कर्म है, उसे कैसे हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू रेज अप अ क्वेश्चन विद हुम एंड व्हाट, बिकॉज ऑफ यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी हैव टू रेज अप अ क्वेश्चन विद हुम, व्हाइल रेजिंग अप अ क्वेश्चन विद व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन हिंदी, मैं हिंदी में बता दूं। देखिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म होता है जिसे हम हूं से क्वेश्चन करके उठाते हैं, और एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम व्हाट से क्वेश्चन करके उठाते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ठीक है। अब यहां हम इसे समझे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कहता है कि सी स्कॉल्डेड मी, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, सी स्कॉल्डेड मी यानी कि उसने मुझे डांटा। तो देखिए यहां पर उसने मुझे डांटा पर हमने एक क्वेश्चन बनाया यहां पर, और उसने कहा हुम डिड सी स्कॉल्ड टू, यानी कि किसको डांटा उसने, किसको डांटा, तो उसने किसको डांटा यहां पर देखिए जवाब मिला उसने किसको डांटा, तो हुम से हमने निकाला तो उसने किसको डांटा, मुझे डांटा, तो अब किसको से हमें मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर कह रहा है कि आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसको एक पत्र लिखा। देखिए ये भी यहां पर हमारी एक्टिव वॉयस, ये भी एक्टिव वॉयस, आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसको एक पत्र लिखा। तो अब यहां पर बात आ रही है कि व्हाट डिड आई राइट हिम, मैंने उसको क्या लिखा। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ए लेटर, मैंने उसको एक पत्र लिखा। अगर मैं यहां पर लिख देता कि आई रोट हिम अ लेटर, तो यहां पर यह भी बोला जा सकता था कि हुम डिड आई राइट अ लेटर टू, हुम डिड आई राइट अ लेटर टू, और वहां पर सीधा जवाब आता हिम, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर निकल करके सामने आ जाता। अब यहां पर प्रश्न निकल करके आता है कि सर ये तो बताइए कि जो इनका पैसिव है वो कैसे हम माने कि ये जो है ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। तो अगर हम इसकी पैसिव बनाए सी स्कॉल्डेड मी द एडवांस लर्नर्स, जो भी एडवांस लर्नर्स है वो समझेंगे कि मी का क्या हो जाएगा आई, और यहां बन जाएगा आई वॉज स्कॉल्डेड, आई वॉज स्कॉल्डेड, और यहां क्या हो जाएगा बाय हर हो जाएगा। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि हमने यहां पर ये क्या क्रिएशन किया है, ये पैसिव वॉयस का क्रिएशन है, और जो यहां पर ये मी है ये देखिए अब किस पर है, मुझे डांटा गया किसके द्वारा, उसके द्वारा, मुझे डांटा गया उसके द्वारा। तो श्योर है कि यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिपेंड हो जाता है, और ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्या मान रहे हैं, सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो श्योर है कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, इसलिए क्या क्या कहना चाहिए पैसिव वॉयस। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाक्य था यहां पर आई रोट हिम अ लेटर। अब जब यहां पर कहा गया नंबर टू के लिए, देखिए मैं ये नंबर वन मान लेता हूं, इस नंबर टू को मैं लेता हूं कि आई रोट हिम अ लेटर, तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये बन रहा है कि कौन था जिसने उसको एक पत्र लिखा, तो जब हम मिला आई यानी कि मैं, तो सब्जेक्ट डिपेंड हो गया, तो ये एक्टिव वॉयस है, श्योर है। अब हम इसकी पैसिव वॉयस बनाएं, पैसिव वॉयस बनाएं तो हम बनाएंगे कि आई रोट हिम अ लेटर, तो ही वॉज रिटन अ लेटर टू किसके द्वारा, बाय मी, तो उसको एक पत्र लिखा गया, ही वॉज रिटन अ लेटर टू बाय मी। इसे हम और में भी बना सकते हैं, अ लेटर, देखिए जरा देखिएगा, अ लेटर वॉज रिटन किसको, टू हिम, और किसके द्वारा, बाय मी। और देखिए यहां पर चूंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाए हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो श्योर है कि यहां पर जब इनडायरेक्ट है तो उससे पहले टू लगेगा, और ही वॉज रिटन अ लेटर टू, अब उसको एक पत्र लिखा गया, और इसको यहां से हम हटाएंगे क्योंकि यहां पर हम सबसे पहले क्या लाए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको लिखा गया एक पत्र मेरे द्वारा, और यहां बन गया एक पत्र लिखा गया उसको किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो ये हमारे द्वारा अब क्या बनी है यहां पर, ये पैसिव वॉयस। तो याद रखिएगा पैसिव वॉयस में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है जिसको कि हम हुम से और व्हाट से निकालते हैं, जबकि कर्तावाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्तावाच्य में हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट प्रधान होता है, और उसको हम हुम से फाइंड आउट करते हैं। और एक बात और याद रखनी है आपको, एक बात और बता दूं मैं कि व्हाइल क्रिएटिंग अ पैसिव वॉयस वी हैव टू यूज ऑफ एक्शन थर्ड ऑलवेज, हमें हमेशा एक्शन थर्ड का यूज करना पड़ता है, हमें हमेशा पैसिव वॉयस बनाते समय क्या यूज करना पड़ता है, एक्शन थर्ड का यूज करना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दैट यू हैव जस्ट अंडरस्टूड वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस। और नेक्स्ट जो इसका मैं अभी चरण लेकर के आ रहा हूं, जो सीरीज में जो मैं अगला अभी लेकर के आ रहा हूं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई
जो एक्टिव वॉयस से जो पैसिव वॉयस बना रहे हैं उसको कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं, कौन कौन से टेंस हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं, टाइप्स हैं जिन्हें हम पैसिव वॉयस में बना सकते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर कौन सा है जिसे हम अच्छे से बना सकते हैं, और जो हम सब्जेक्ट को बदल देते हैं बाय बी में बाय यू में उन्हें कैसे हम परिवर्तित करते हैं। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड विद मी और मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए।